मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई जो कि वायरल हो गई। ये देखो जी, ये सब जी हमारे ब्रांड का कपड़ा निकल चुका है। ये देखें जी, रिटर्न्स हमें आए हैं। टू द पॉइंट के पूरा एक चेन रिएक्शन चल पड़ा। मुझे कम्युनिटी में लोगों के मैसेजेस आने लग गए, लोगों ने मुझे सराहा, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उसकी वजह से बहुत सारे ई कॉम ब्रांड सामने आए और एक मैस कैंपेन स्टार्ट हो गई यूजर्स को एजुकेट करने की, स्पार्किंग अ डिबेट दैट हैज नेवर बीन सेड बिफोर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम यहाँ पे कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और लैंडिंग हेडलाइंस के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपको ये बताता चलूंगा, मेरे दो ई कॉम ब्रांड्स हैं और उन दोनों ब्रांड्स का एक मसला है और वो है रिटर्न्स। अब ये वो रिटर्न्स नहीं है जो फॉरन मार्केट में होते हैं कि एक बंदा आपसे प्रोडक्ट लेता है, उस टेस्ट करता है, उसको पसंद नहीं आता तो वो वापस कर देता है। पाकिस्तान में आपका कस्टमर रिफ्यूज कर देता है स्ट्रेट अवे ऑर्डर रिसीव करने से आफ्टर कंफर्मिंग, जो कि चैलेंज है ई-कॉम ब्रांड्स के लिए बिकॉज ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि सारी पावर कस्टमर के हाथ में है। अब मैं आपको एक यूजुअल प्रोसेस बताता हूँ कि फॉरेन मार्केट में क्या होता है। आपका कस्टमर ने एड देखा, उसने क्लिक किया, प्रोडक्ट पसंद आया, उसने परचेज किया, उसने वहीं पे पैसे दिए अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के और फिर वो प्रोडक्ट उसको रिसीव हो गया। अब उसको पसंद आएगा तो वो उसको यूज करेगा, उसको पसंद नहीं आएगा तो वो कहेगा मुझे रिफंड कर दें, प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया, विच इज फेयर। कस्टमर के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको लेना चाहे या वापस करना चाहे। अब पाकिस्तान में क्या होता है, आपका एड देखा, एड के बाद उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको ब्रांड की तरफ से कॉल गई कि क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया है, क्या ये कंफर्म है। उसने कंफर्म किया, मैंने शिप किया, जब शिपिंग कंपनी ने उसको भेजा, अब वहां पे उसकी जवाबदेही है कि वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। और मोस्ट केसेस में चूंकि कस्टमर के पास पावर है, यहाँ पे कस्टमर जो है वो उसको रिफ्यूज कर देता है और ये जो रिटर्न रेट है ये 40-50% हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। अब ये चीज जानना जरूरी है कि ये होता क्यों, इसकी कुछ रीजंस हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की। एक तो हमारा कस्टमर जो है वो ट्रिगर हैप्पी है, उसको नजर आता है ना कोई चीज, वो बस ट्रिगर दबाते हैं और जाके बटन दबा के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। दूसरा है अब्यूजिव है पावर को लेके, जब उनके पलड़े में अथॉरिटी डाल दी जाती है तो वो उसको फिर अब्यूज करते हैं, वो मिसट्रीट करते हैं। आप हमारी पूरी सोसाइटी में ये देख लें, ये नॉर्म है अनफॉर्चुनेटली, जो भी पावर में बंदा बैठा है वो पावर को अब्यूज कर रहा है मेजॉरिटी। तो आम बंदे को भी जब ये पावर बेशक छोटे इस लेवल पे भी दी जाती है कि कैश ऑन डिलीवरी है, उसने पैसे उसकी मर्जी से अपनी देने बाद में, तो वो इसको अब्यूज करते हैं। और तीसरा जो अनफॉर्चुनेट है कि वो इसको ऐसा वो इसको फन ले रहे होते हैं, वो ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते कि अगला बेचारा बिजनेस ओनर है। एक बड़ा बिजनेस शायद वो लॉस बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए वो बिल्कुल डेट्रिमेंटल है और वो उसकी बैकबोन तोड़ देता है, लोग लिहाज ही नहीं करते। और वो बहाने फिर क्या बनाते हैं, मैं आपको कॉमन एक्सक्यूजेस भी बताता हूं। लोग कहते हैं कि जी मैं घर पे नहीं हूं, मैं शहर से बाहर हूं, मैं सो रहा हूं, मैं अभी आपका ऑर्डर लेने नहीं आ सकता बाहर, मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं है, मेरे फरिश्ते ने दिया है और कंफर्म मेरे किसी जिन ने किया। और कुछ ये भी कहते हैं कि मैंने गलती से ऑर्डर दे दिया और फिर जब मुझे कहते हैं यार हमने कंफर्म तो किया, कहते हैं बस ओहो बस हो गया, बस वापस ले जाओ। अब आपके जहन में ये होगा, आप उनसे एडवांस पेमेंट क्यों नहीं ले लेते। व्हेन इट कम्स टू कैश ऑन डिलीवरी एंड व्हेन यू आर डूइंग इट एट स्केल, जब ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो आप इसको, ये आपके लिए फिजिबल नहीं होता कि आप उन सबसे कैश ऑन डिलीवरी पहले डिमांड करें, वो भेजते हैं नहीं भेजते, तो आपको लटकाएंगे, वो बात बढ़ेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। और एट द सेम टाइम और भी कुछ रीजंस हैं कि हम एडवांस कैश नहीं लेते। पाकिस्तान में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं ही नहीं, तो उनके पास सीओडी का ऑप्शन, उनको तसल्ली होती चाहिए होती है, उनको होता है मैं जब तक पैकेट मेरे हाथ में नहीं होगा मैं खोल के नहीं देखूंगा, मेरी तसल्ली नहीं होगी। और एक जब नया ब्रांड मार्केट में आता है तो उसकी वैसे ही बेचारे का ट्रस्ट फैक्टर कम होता है क्योंकि वो नया ब्रांड होता है, तो उस केस में तो बिल्कुल भी कोई एडवांस पेमेंट नहीं करने वाला, तो दे हैव टू रिलाय ऑन सीओडी। और लोगों के पास फिर अनफॉर्चुनेटली वो ऑनलाइन भी नहीं सेल कर सकते थ्रू कार्ड्स, क्योंकि लोगों के पास कार्ड ही नहीं है। पाकिस्तान में 95-98% जो भी ई कॉमर्स सेल्स है वो कैश ऑन डिलीवरी पे हो रही है, सिर्फ 2-3% कार्ड पे हो रही है, तो वो भी फिर ऑप्शन निकल जाता है। अब जब मेरी वीडियो वायरल गई तो कुछ मुझे लोगों ने कमेंट किया और मुझे कहा कि यू आर अ बिजनेस, यू शुड बी एबल टू अफोर्ड दिस लॉस, आई कैन बेयर इट, आई कैन, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बेयर कर रहा हूँ, मसला तो है ऑब्वियसली लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। बट नए बिजनेस नहीं बर्दाश्त कर सकते, कोई अगर एक बंदा 1-1.5 लाख से उसने शुरू किया अपना नया ब्रांड, उसके पास इतना मार्जिन नहीं है, उसके पास इतना कैश फ्लो नहीं है, उसके पास इन्वेंट्री का नहीं है कि वो आधी इन्वेंट्री उसकी गई हुई है आधी वापस आ रही है, पीछे 2 रहे हैं 50 ऑर्डर और भी आए हुए हैं, तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है नए ब्रांड्स के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि हम एजुकेट करें एंड कस्टमर को कि इस तरह से मत किया करें। अब वर्स्ट पार्ट है कि लोग ना, ये कुछ ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में कस्टमर्स हैं जो ये इसको फन की बेस पे रेगुलर बेस पे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक साहब ने हमारे ब्रांड पे ऑर्डर दिया
दिया, 14,000 का ऑर्डर था और वो अच्छे मैग्नीट्यूड था ऑर्डर का। हम बड़े खुश हुए, हमारा नया ब्रांड था। हमने कॉल की, उन्होंने कहा जी भिजवा दें। साहब DHA में रहते थे और बात से भी बड़े पढ़े लिखे लग रहे थे, तो जब हमने उनको सामान भिजवाया तो उन्होंने कॉल उठानी बंद कर दी। राइडर फोन कर रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ, मेरे टीम मेट फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा वो बंदा। फिर हमने उसका ऑर्डर ऑब्वियसली वापस आ गया, हमें नुकसान हुआ। फिर मजे की चीज ये हुई कि उन्होंने मेरे दूसरे ब्रांड पे भी उसी बंदे ने ऑर्डर दिया। मेरी टीम ने कंफर्म किया, 5,500 का ऑर्डर था। मेरी टीम ने डिस्पैच करने लगे, मेरी नजर से गुजरा, मैंने कहा ये तो वही बंदा है जिसने फलां ब्रांड पे भी हमें स्कैम किया। अब उसको नहीं पता था ये दोनों एक ही बंदे के ब्रांड है, लेकिन अब्यूजिव नेचर देखे उस बंदे की कि वो करता ही है। जब मैंने उसको कॉल की, कॉल ना उठाया वो मेरी टीम को कंफर्म कर लिया, लेकिन फॉर सम रीजन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। फिर व्हेन आई रीच्ड आउट टू हिम एंड टोल्ड हिम कि यार आपने फलां ब्रांड पे भी इस तरह किया, आप इस पे ये करेंगे, हम आपको ऑर्डर नहीं भेज रहे, तो मुझे जवाब में मिडल फिंगर बना के भेज रहा था। ये कस्टमर्स का हाल है। अब मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कस्टमर्स का ही फॉल्ट नहीं होता, कभी कभी कुरियर कंपनीज का भी होता है कि कुरियर वालों का कमीशन होता है जो राइडर्स होते हैं, तो वो अक्सर दूर के ऑर्डर्स को पे सुस्ती करते हैं, कहते हैं भाई आप हमारे घर इधर से आके ले जाएं आउटलेट से, ये मैं नहीं आ रहा, ये वो बस मार्क एज रिटर्न कर देते हैं, बात ही नहीं करते। लेकिन इस केस में तो हमने खुद कोशिश की, खुद कॉल करने की कोशिश की, उस बंदे ने वाकई नहीं उठाया। अगर मैं आपको ये ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ, अगर आप कोई बंदे का रिटर्न करते हैं तो उसको क्या नुकसान होता है। ये जो फ्लायर है, अब ये जाया हो गया मेरा फ्लायर, ठीक है, ये फ्लायर तकरीबन मुझे 20-21 रुपए का पड़ा। अच्छा, आधे पैसे इसमें जाया। अच्छा, फिर आते हैं इस डब्बे पे। ये जो मेरा डब्बा है ये अच्छा मजबूत डब्बा है, आई कैन नॉट यूज दिस, इसकी भी कॉस्ट लग गई। फिर मुझे फेसबुक के जो मैंने एड चलाया है उसकी भी तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे ना। एवरेज कॉस्ट होती है 700 से 1100 के दरमियान में, 1200 के दरमियान में, वो भी मुझे फेसबुक को बेयर करनी पड़ी। और मेरा टाइम जाया हुआ, मेरी टीम का टाइम जाया हुआ। कोरियर कंपनी वाला बेचारा लेके गया आपके शहर में, वहां से फिर वो मोटरसाइकिल पे एक बंदा आया आपके घर तक पहुंचा, आपने फोन नहीं उठाया। तो इतने ज्यादा लेयर्स में नुकसान किया जा रहा है और रेवेन्यू का लॉस तो हुआ ही हुआ है। 14,000 का ऑर्डर था यार, मेरा ब्रांड प्रॉफिटेबल हो रहा था, मेरे एड्स निकल आते हैं उससे, लेकिन उस बंदे ने गिमिक कर दिया हमारे साथ। तो अगर कभी आपने किसी ब्रांड से चीज ऑर्डर की है और उसको फॉर नो रीजन वापस कर दिया, तो ये जान लें कि आपने उनका बेइंतहा नुकसान किया। ये चीज एथिकल नहीं होती, इसको ना किया कीजिए। और अगर आप नहीं करते ऐसा तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ही बहुत सारे ब्रांड शायद अभी ऑपरेट कर पा रहे हैं। और अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो कि इस तरह से करता होता है, वापस भेज देता है चीजें, तो उनको प्लीज एजुकेट करें, उनसे कहें इस तरह से मत किया करो, अगर ऑर्डर नहीं लेना तो कंफर्म ना करो, और इस तरह से लोगों को ऑर्डर प्लेस करके उनको जेचना किया जाए, ब्रांड्स का ख्याल किया जाए। अब ऑब्वियसली ब्रांड्स की भी जिम्मेदारी है, बहुत सारे ब्लैक शीप भी हैं, जो गलत लोग भी हैं, जो गलत तरह से चीजें भेजते हैं, डिपेक्ट क्या करते हैं, भेजते क्या हैं, ऑब्वियसली वो भी गलत है, उनको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन एज अ कस्टमर आपने भी अपना ख्याल करना है, अपने अपने फेलो पाकिस्तानियों का ख्याल करना है, फेलो मुस्लिम्स का ख्याल करना है। तो आई होप यू विल डू दैट। दिस इज अ लेसन। अस्सलाम वालेकुम।